मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा भाजपा प्रत्याशी इमरती देवी के खिलाफ दिए गए विवादित बयान के मामले ने तूल पकड़ लिया है, जिसके चलते जहां प्रदेश भर में भाजपा द्वारा मौन प्रदर्शन किया गया, वहीं सिवनी में भाजपा युवा मोर्चा द्वारा विरोध प्रदर्शन करते हुए कमलनाथ का पुतला आग के हवाले किया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के अमर्यादित बयान से नाराज भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को विरोध प्रदर्शन करते हुए कमलनाथ के पुतले पर कालिख पोत कर जमकर जूते बरसाए। भाजपा के विरोध प्रदर्शन के दौरान मुख्य रूप से पूर्व सांसद नीता पटेरिया, पूर्व विधायक नरेश दिवाकर, भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष जयदीप सिंह चौहान मौजूद रहे। मंत्री इमरती देवी जी को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के द्वारा आइटम कहा जाना बहुत ही निंदनीय और दुखद है। हम समूची महिला समाज का कमलनाथ जी के द्वारा अपमान किया गया है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं, विरोध करते हैं। और कमलनाथ जी को भारतीय जनता पार्टी चेताती है, ये पहली बार नहीं है इनके द्वारा, चाहे नैना साहनी हत्याकांड हो, सरला मिश्रा वाला कांड हो, या फिर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी द्वारा टनाटन माल महिलाओं को द्वारा कहा जाना हो, ऐसा कि महिलाओं के लिए हमेशा ही आप शब्दों का प्रयोग करते हैं, उनका अपमान करते हैं। आप महिलाएं मध्य प्रदेश की नहीं सहेंगी और विरोध करेंगी। लेकिन कमलनाथ माफी क्यों नहीं मांग रहे? उनके अंदर जो एक नौ दुर्गा चल रही है, हम छोटी छोटी कन्याओं का माँ कह के पूजन करते हैं, उनके अंदर संस्कार और संस्कृति भारतीयता की दोनों सारी चीजों की कमी है। इसी कारण उनका भाव ही ऐसा है कि महिलाओं का अपमान करना है, जो बहुत ही दुखद है, और इसका हम विरोध करते हैं, बल्कि समस्त महिलाएं विरोध करेंगी। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने आज कमलनाथ जी का पुरजोर विरोध किया है। उन्होंने जिस तरह से चुनावी सभा में श्रीमती इमरती देवी जी को आइटम जैसे शब्द का इस्तेमाल करके उनका अपमान किया है, जो उनका ही अपमान नहीं पूरी महिलाओं का अपमान है। इसके लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा ने उनका पुरजोर विरोध किया है, अर्थी यात्रा निकालकर। और कमलनाथ जी के द्वारा ऐसे पहली बार नहीं, ऐसे कई बार ऐसे कृत्य उनके द्वारा किए जा चुके हैं, समाज की नजरों में ऐसे उनकी कृत्य उजागर हो चुके हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आपकी जो मनोदशा है वो समाज के सामने आ चुकी है, आपको अभी भी समय आपको सुधार जाना चाहिए। चुनावी रण में आप अपने शब्दों का इस्तेमाल चाहे महिलाओं के लिए और अन्य समाज के क्षेत्रों के लिए हिसाब से करना चाहिए। आपके आपको सिर्फ उद्देश्य सत्ता को प्राप्त करना है, ना कि समाज के हित में काम करना है। गौरतलब है कि पूर्व सीएम कमलनाथ ने रविवार को डबरा में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा प्रत्याशी इमरती देवी को आइटम कहा था, जिसके बाद प्रदेश भर में भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। सिवनी से उत्तम सेन की रिपोर्ट।